नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता, बालाजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अध्ययन का कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको 20 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक था सेल एंड सेल डिवीजन। जैसा कि आप मित्रों 2021 का पेपर देखा होगा, टीजीटी, पीजीटी का, जीआईसी का, सारे पेपरों का ट्रेंड बदल गया है। अब पुराने ढंग से पेपर नहीं आ रहे हैं। पहले क्या था कि पुराने रिपीटेड क्वेश्चन आपके जो है 40 से 50 क्वेश्चन आराम से रिपीट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया है, क्वेश्चन का बहुत स्टैंडर्ड बढ़ गया है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन का जो है तरीका बदलना पड़ेगा, कुछ मतलब पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम प्रयास करेंगे कि अच्छे क्वेश्चन आपसे कराया जाए, टॉपिक के साथ साथ, जैसे आपके तैयारी में इम्प्रूवमेंट हो। जिस प्रकार के हम 20 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज। मतलब जो बायोलॉजिकल पेस्ट है, कंट्रोल ऑफ पेस्ट है, क्या है? वेरी एक्सपेंसिव, क्या बहुत खर्चीला है? टॉक्सिक, क्या बहुत ज़्यादा विषैला है जो मतलब एटमॉस्फेयर के हानिकारक है? सेल्फ है, स्वनियंत्रित है, सेल्फ कंट्रोलिंग है, या पॉल्यूटिंग है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से थर्ड ऑप्शन सही होगा, स्वनियंत्रित है, सेल्फ कंट्रोलिंग है, सेल्फ प्रिपरेशन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं, वन फाइब्रिल ऑफ सेलवाल इज मेड अप ऑफ। सेलवाल जब आपको पढ़ाए थे, बताए थे, सेलवाल जो है हमारे माइक्रोफाइब्रिल में बटा होता है। सेलवाल के तीन फाइब्रिल बताए थे आपको, सबसे छोटा मिसेल्स बताए थे, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट मिसेल बताए थे, उससे बड़ा माइक्रोफाइब्रिल्स बताए थे और सबसे बड़ा माइक्रोफाइब्रिल्स बताए थे। अब कह रहा है वन फाइब्रिल ऑफ सेलवाल, आपको ये भी बताए थे कि एक मिसेल्स में 100 सेल्युलोज होते हैं। कितने? एक मिसेल्स में कितने मालिक्यूल सेल्युलोज के होते हैं? 100 सेल्युलोज के होते हैं। और एक माइक्रोफाइब्रिल में 20 मिसेल्स होते हैं। वन मिसेल्स में 100 सेल्युलोज और एक माइक्रोफाइब्रिल्स में 20 मिसेल्स होते हैं। और एक माइक्रोफाइब्रिल्स में 250 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा, वन फाइब्रिल ऑफ सेलवाल इज मेड अप ऑफ। वन फाइब्रिल ऑफ सेलवाल 250 माइक्रोफाइब्रिल के बराबर होगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही है बच्चा, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब बात करते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है? एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट का क्या है? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट मंच ने दिया था। ये है क्या? ये सेलवाल में आपने देखा होगा डेस्मोसोम पाए जाते हैं या प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। तो जब दो सेल आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनके बीच में जो स्पेस स्पेस बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। चलिए देखते हैं इसको, एपोप्लास्ट किसने दिया, एपोसिम्प्लर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट मंच ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेम यही क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सब ये पूछे गए हैं, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। पीजीटी 2016 में पूछा, फ्लूइड मोजैक मॉडल इज गिवन बाय।
यूपीएससी में पूछा गया है 2010 में, यूपीएससी प्री में, पीसीएस के 2010 में पूछा गया। फ्लूड मोजैक मॉडल किसने दिया था? फ्लूड मोजैक मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अच्छा, तीन मॉडल बताए थे, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेविन एंड डेंसल, डेविसन एंड डेनिल ने दिया था सैंडविच मॉडल। फिर आपको बताया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। और तीसरा मॉडल था फ्लूडो मोजैक मॉडल, किसने दिया था? सिंगर एंड कोसी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल थे तीन। अच्छा, बेंडले एंड टेटम ने क्या किया था? वन एंजाइम वन हाइपोथेसिस दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसका ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सॉरी डी ऑप्शन इसका सही है। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूड मोजैक मॉडल दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल इज, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल इज, यूपीएससी प्री 2010 में पूछा गया है। तो सेल सेंट्रियोल किसमें जो है, सेल ऑर्गेनेल जो सेंट्रियोल है किसमें किसका ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? तो आप बताएंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और सेंट्रियोल किसमें हेल्प करता है? ठीक है, स्पाइंडल फाइबर के या स्पाइंडल ऑपरेटर्स के निर्माण में, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में जो। और इसका सिंथेसिस कब होता है? जी टू फेज, आपको बताया था जी वन एस जी टू फेज सेल साइकिल, सेल साइकिल के जी टू फेज में इसका निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन किससे रिलेटेड है? ट्यूबुलिन प्रोटीन सेंट्रियोल से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सेल साइकिल, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, इन सेल साइकिल सेंट्रियोल इज रिप्लिकेट इन, सेल साइकिल में सेंट्रियोल रिप्लिकेट होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किसमें होता है? तो आप क्या बताएंगे? जी टू फेज। इसका करेक्ट ऑप्शन यही आपको अभी बताए हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जी टू फेज, जी टू फेज इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज सही। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेल साइकिल इज गवर्न बाई, सेल साइकिल किससे गवर्न होता है? सेल साइकिल किससे कंट्रोल होता है? सी डी के साइक्लिन काइनेज एंजाइम के माध्यम से। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2010 में पूछा गया, यूपीएससी प्री 2000। अब जो ट्रेंड चला है आपके यूपीएससी वगैरह के क्वेश्चन ही आपको टीजीटी में देखने को मिलेंगे, तो यूपीएससी वगैरह के क्वेश्चन आप मैक्सिमम ध्यान दीजिए। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेवन क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड कौन सा सही? इसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, काइटीन। काइटीन है क्या? एक प्रकार का पॉली होमोपॉलीसेकेराइड है, एक प्रकार का ग्लूकोज है। ठीक है, काइटीन क्या है? और ये इंसेक्ट के इंडोस्केलेटन में पाया जाता है, या कह सकते हैं इंसेक्ट के स्केलेटन में पाया जाता है। तो बेटा इसका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, काइटीन। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीएससी प्री 2010 में। अच्छा, मिडिल नेम बता चुके हैं आपको, मिडिल लेमला इज मेड अप ऑफ, आपको बताते हैं मिडिल लेमला किससे बना होता है? मिडिल लेमला कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है ना, कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम, बोथ से, दोनों से नहीं बना होगा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम पेक्टेट। चलिए, लिग्निन क्या है, सुबेरिन क्या है? ये डिपोजिशन होते हैं, सुबेरिन नामक केमिकल का, लिग्निन नामक का, जिससे सेल क्या होता है, डेड हो जाता है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट में सहयोग करते हैं। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज आपके सेल वाल में पाया जाता है, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेल वाल में पाया जाता है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दसवां क्वेश्चन। द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन एज, क्वेश्चन यूपीएससी प्री
देखिए 3 साल पूछा गया है, 96, 99, 2008। अब यही आपका क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा TGT 2022 में, GIC में। तो अब क्वेश्चन था, दी मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन एज, सेल वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टोनोप्लास्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। तीन मॉडल दिए थे आपको, बता चुके हैं अभी, फर्स्ट क्वेश्चन चर्चा हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हाइएस्ट नंबर इन द सेल, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हाइएस्ट नंबर इन द सेल। कह रहा कि सबसे ज़्यादा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सबसे ज़्यादा सेल में पाया जाता है। एक क्वेश्चन बता रहा क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम। तो इसका बेटा राइबोसोम आएगा, इसका इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइबोसोम डी ऑप्शन सही है। क्लोरोप्लास्ट कम कुछ ऑर्गेनेल है जो पाया जाएगा, न्यूक्लियस एक ही है, एक या दो से अधिक हो सकता है, माइटोकांड्रिया की नंबर मैक्स ज़्यादा होता है लेकिन राइबोसोम से ज़्यादा नहीं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम के बारे में और जान लीजिए, यही एक है विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। जिस राइबोसोम क्या है, पार्टिकल के रूप में पाया जाता है, ना कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल के रूप में नहीं पाया जाता।